वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। और ठंड जो है, आपने जैसे कि देखा, इतना फॉग हो रहा है, इतनी भयंकर ठंड हो रही है। और अभी 8:15 बज रहा है और टेम्परेचर हो रहा है कुछ 6 डिग्री, तो हालत ख़राब है। और आज मुझे जाना है बाहर, कुछ अपना काम है और कुछ आज क्योंकि संक्रांति का थोड़ा सामान लाना है, क्योंकि संक्रांति आ रही है। तो नहीं वेस्ट, इस दिन ब्लॉग आ रहा हो तो सुनो, ऑलरेडी संक्रांति हुई, तो हैप्पी संक्रांति और बिलेटेड हैप्पी लोहड़ी। तो भाई ऐसे ही ठंड में जाना है, मैं वेट करूंगा। पता नहीं ऐसे तो फॉग में तो जाने से रहा, इतनी ठंड में अभी तो जाने से रहा, अभी तो मैं वेट करूंगा धूप निकलने का। 11:12 1 बजे तक, जब तक निकले धूप तभी जाऊंगा, क्योंकि इतनी ठंड में मेरी हिम्मत तो हो नहीं रही है। और ये देखो सूख के उठ के पहना है ना, और अभी जब पानी से थोड़ा थोड़ा ना, भाई ये कौवा था उससे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, पर ठीक है, अब करते हैं तो करते हैं। भाई शांत हो जाओ थोड़ी देर यार, ब्लॉग करने दो यार। तो जब अभी पानी से फिर धो रहा था अपना मुंह, तो भैया हालत हो गई खराब। देखो कितना, भाई थोड़ी देर शांत हो जाओ। तो हाँ जी, मैं क्या कहता, हाँ जब पानी में मैंने हाथ डाला तो इतनी ज़्यादा ठंडा पानी था कि पूरी मेरी हालत ख़राब हो गई। यानी वैसे अब तो धूप निकलने का इंतजार करते हैं, फिर निकलेंगे। गुड मॉर्निंग बेटू, गुड मॉर्निंग बेटू। उठेगा नहीं बेटा? बेटा उठना नहीं, आज तू लेट है ना, तू बहुत ठंड है, वैसे तुझे तबीयत खराब हो रही है ना, हैं? इसलिए लेट हो? ओ लेट रहो, लेट रहो, ऐसी ठंडा है आज। ओए ओए ओए, क्या कर रहा है ये, क्या कर रहा है यार? अच्छा बेटा काम कर दे, बोल हेलो। हेलो बोलो। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीपी ब्लॉग्स। ये हाई फाइव, हाय इधर इधर देख के मारो। यही सारा है, और अभी ताप ताप के बैठेंगे, तापेंगे यहाँ पर और धूप का इंतजार करेंगे, और धूप निकलने के बाद फिर ही यहाँ से निकलेंगे। और आपको बता दूँ, मैं जिस जगह बैठा हूँ यही मेरा जो है जो पेशी का काम धंधा है, वो इसी जगह पे है, तो घर के पास ही है, तो वहीं बैठा हूँ और जला के बैठे हैं। और मुझे लग रहा है आज 11:12 बजे तक ऐसे चलता रहेगा। देखो तो ये है ठंड का आलम, और फिलहाल तो वेट कर रहे हैं धूप निकलने का। धूप निकलते ही जाना यार, मुझे लेकर आना है बहुत सारा सामान है, वो दो दिन से बोल रहे हैं टालते जा रहा हूँ मैं, तो आज तो किसी भी हालत में लेके आना ही पड़ेगा। तो चाहे अब खुले ना खुले, इंतज़ार तो कर रहा हूँ 12-1 बजे तक खुल जाए तो बढ़िया रहेगा। टेम्परेचर अगर नहीं भी खुलेगा तो 10-12 तक पहुँच जाएगा, तो थोड़ा तो ठंड कम ही लगेगी। तो फिलहाल तो ताप बोल यार आप लोग। चाय पी लें यार, बढ़िया मस्त चाय, चाय गर्म के पीते हैं। नाश्ता वाश्ता कर लिया हमने, अब तो भैया यही साथ है, तापेंगे चाय पियेंगे, तापेंगे चाय पियेंगे, तापेंगे चाय। भैया ठंड में तो चाय का मज़ा वैसे ही दुगना तिगना हो जाता है। अब उम्मीद है कि धूप थोड़ी देर में शायद निकल जाए। अब आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं दिखाने में कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन ये कोहरे के पीछे हल्की सी लाइट सी चमक रही है, तो वो धूप निकलने आसार है। तो फिलहाल तो फटाफट पह लेता हूँ चाय, और चाय पी के इंतजार करते हैं यार, जब निकलेगी तो हम भी निकल लेंगे। तो कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि कपड़े अपड़े हमने बदल लिए हैं, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं कासगंज। और अभी नहा के जब निकला था ना, ऐसी हालत थी, बिल्कुल हाथ जो है ऐसा करता है ही नहीं। अब फिलहाल देख सकते हैं धूप जो है निकल चुकी है, खिल चुकी है। तो भाई अब यहाँ से हम निकल रहे हैं कासगंज, 2-3 काम है निपटाने हैं, अभी बज रहा है 2:30, देखते हैं 1-1.5 घंटे में फटाफट निपटा के फिर आते हैं, फिर बैठेंगे और फिर से तापेंगे। आज यही काम है पूरे दिन, बस तापने का और रजाई में खोसने का। इतनी ठंड हो रही है, मतलब अच्छी खासी महसूस हो रही है ठंड। तो चलो फटाफट निकलते हैं, पापा को बात में करते हैं। और आ जाएंगे इससे हमारी एक्टिवा से, और इसकी हालत देखो कितनी गंदी हो रही है, कितनी गंदी हो रही है भाई। और ये सबसे ज़्यादा चलती है बेचारी, लेकिन इसकी साफ सफाई
कराई। और इससे इसलिए निकल रहे हैं कि भाई लाना है मुझे कुछ सामान, तो इसकी डिक्की है ना, तो डिक्की में बहुत सारा सामान आ जाता है, इसलिए आसानी होती है, इसलिए इसी से निकलते हैं। और वैसे भी ट्रैफिक में इसको मैनूवर करना ज़्यादा आसान है, उसमें थोड़ा क्या है सर दर्द होता है, वो भारी सी है, तो फटाफट निकलते हैं। भूख लग रही थी यार बहुत तेज, तो डोसा खा लिया एक बहुत दिन का मन था। एक्चुअली डोसा मेरा जो है वो है फेवरेट फूड, और अभी भी प्यूब पर नहीं, अभी उत्तपम भी बनाया मैंने यार, वैसा क्या बोलते हैं वैसा स्वाद नहीं था, बोलते हैं ऑथेंटिक सा स्वाद नहीं है यहाँ पर, ठीक है यार जो भी है मन होता खा रहा, जबकि हालांकि मुझे जाके वर्कआउट भी करना है, करेंगे वो भी यहाँ कभी कभी चलता है, बाहर भी खा लेना चाहिए। अभी वेट कर रहा हूँ उत्तपम का आने का, उत्तपम खाएंगे फिर फटाफट यहाँ से निकलेंगे। और इतनी भीड़ थी वहाँ पर ना, इस चक्कर में और भूख लगाई, वो ज़रा से मुझे लेने के लिए तिल विल, क्योंकि मकर संक्रांति तो भीड़ तो ज़्यादा ही थी। एनी वेज अभी यहाँ से खाते हैं फटाफट, सब कुछ रहे इधर ही देख रहे हैं, तो आगे चलते हैं। तो भाई घर पहुंच गए वापस, भाई खा पी के पेट ऐसा फुल है और वर्कआउट चालू करना है, अभी चेस्ट मारूंगा मैं, पर वो करूंगा ये भी खाए हुए हमें, मतलब 4:30 बजे करीब मैंने खाया था, तो अभी 1.5-2 घंटा हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वर्कआउट कर लेंगे, अभी काफ़ी पच चुका है। और इतना मतलब अब बताऊँ, जब से मनाली के लिए मैं निकला था तब से मेरी इतनी डाइट जो है बिगड़ गई है, अभी बाहर का जैसे आज खा लिया, और घर पर भी मैं ज़्यादातर बाहर का तो मैं खाता नहीं हूँ, घर पे ही मैं अभी बहुत उलूल जुलूल खा रहा हूँ, कुछ भी बना लेता हूँ, खूब तला हुआ ये वो, तो अब क्या ठंडा मौसम है ना तो मन कर जाता है, लेकिन होता क्या है ना कि ये सब चीज़ें ना मसल पे नहीं लगती, ये सब चीज़ें लगती हैं अपने इस पे, तो ये बहुत भयंकर बढ़ गया है, वज़न भी बढ़ गया है, तो सह लेंगे थोड़ा, 1-2 हफ्ते और 2 हफ्ते थोड़े दिन और, अभी मैंने दे दिया छूट अपने आप को कि खा लो भाई, खा लो मेरे पेट पर पेट खा लो, 2 हफ्ते के बाद थोड़ी स्ट्रिक्ट डाइट करने की जा रहा हूँ मैं, और क्योंकि डाइट तो भैया करने पड़ेगी, अगर आपको मसल के अलावा अगर आपको थोड़ा पेट फ्लैट रखना है ना, तो डाइट वो है मस्त। जहाँ तक डाइट का सवाल है मेरी, तो मेरा ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट रखता हूँ मैं, सब खाता हूँ नॉर्मल, बस बाहर का नहीं खाता हूँ, थोड़ा घर में अच्छे ऑयल का इस्तेमाल करता हूँ, मतलब गुड फैट का इस्तेमाल करता हूँ, सरसों का तेल मेरे नॉर्मली मैं यूज़ करता हूँ, तो ये छोटी मोटी चीज़ें मैं करता हूँ। बस एक्सरसाइज तो मैं इसलिए करता हूँ कि बस आप कपड़े वपड़े पहने तो फिट फाट लगे, ऐसा ना लगे कि ढीले डाले, तो करता हूँ मैं, काफ़ी साल से कर रहा हूँ। एक टाइम में मैंने बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज करी है, खूब 3 साल तो मैंने जब स्टार्ट किया था 2000 में मैंने पहली बार एक्सरसाइज चालू करी थी, और 2003 तक बहुत दिल से करिए, फिर जो है मतलब ऐसी हो गई, कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे, तो अभी क्या है वर्कआउट फिनिश करते हैं, फिर बैठ के आराम से इत्मीनान से बात करेंगे आपसे। तो भाई वो एक्सरसाइज हो गई है, और अभी टाइम हो रहा है करीब 9 बज रहा है, और अब मैं सीधे जाऊंगा बिस्तर में और घुसूंगा रजाई में, क्योंकि टेम्परेचर हो रहा है 10 डिग्री और ठंड हो रही है कड़ाके की, तो जाऊंगा और सो जाऊंगा। लेकिन मैं सोच रहा था कि आज आपने देखा ही होगा कि मार्केट में कितनी भीड़ थी, तो उस भीड़ को देख के जो मैं गया था जहाँ पर वो तिल के लड्डू वगैरह ये सब लेने के लिए गजक वगैरह, तो वहाँ अनाप शनाप भीड़ थी, तो भीड़ देख के मैं सोच रहा था भाई यार COVID-19 अभी ख़त्म नहीं हुआ है और लोग पता नहीं क्यों भीड़ लगा लेते हैं। फिर मैंने सोचा भाई साहब मैं भी तो भीड़ में एक हिस्सा ही हूँ और भीड़ में भी लगा रहा हूँ, तो होता क्या है ना कि हम जैसे लोग होते हैं जो बिल्कुल अहम टाइम में कि भैया अब मकर संक्रांति आ रही है तो उसके लिए सामान लाना है, तो तब जाते हैं। अगर शायद मैं 2 दिन पहले जाता, हालांकि मेरे पिताजी मेरे से बोल भी रहे थे 2-3 दिन पहले, उन्होंने बोला था कि जा भाई ये सामान ले, मैंने चला जाऊंगा कल चला जाऊंगा परसों, आज गया इतनी भीड़ थी और मैंने भी वहाँ भीड़ लगाई, और ठीक है मास्क वास्क पहने थे, उसके बाद मैंने सैनिटाइज वगैरह कर लिया, लेकिन फिर भी रिस्क रहता ही है, तो क्या कर सकते हैं भाई, अब नेक्स्ट टाइम थोड़ा ध्यान रखूंगा। और आपको बता दूं मार्च जब से लॉकडाउन लगा ये पहली बार हुआ है कि मैं इतनी भीड़ में कहीं गया हूँ और सामान लिया है, मरना मैं भैया अवॉइड ही करता हूँ, लेकिन अब हो गया सो हो गया, तो कोई नहीं यार। फिलहाल तो क्या हो रही है कि ठंड हो रही है भयंकर, क्योंकि अभी चल रही है यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में, भैया जो नॉर्थ इंडिया के होंगे उन्हें मालूम है, अभी शीतलहर चल रही है तो ठंडी हो रही है भयंकर वाली। और आज का जो ये वीडियो है ना थोड़ा सा अलग सा है, मतलब
नॉर्मली क्या मैं कहीं जा रहा हूँ मतलब ट्रैवल वीडियोस में या कुछ ऐसा काम हो तभी मैं करता हूँ। आज मैंने सोचा कि थोड़ा ट्राई करूँ कि अपनी लाइफ थोड़ा नॉर्मल लाइफ भी दिखाऊँ कि ये करना वो करना, तो लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग का मज़ा आएगा ना भाई, इसलिए आज मैंने कोशिश की है। और अब ऐसे ऐसे ब्लॉग भी आएंगे, ट्रैवल ब्लॉग्स भी आएंगे और गाड़ियों के भी आएंगे, सब आएंगे, लेकिन अभी कोशिश करी है तो कोशिश जारी है। तो इस टाइप की ब्लॉगिंग अब मैं करूँगा और होप कर रहा हूँ कि शायद आपको ये पसंद आए। तो भाई पसंद आया और यहाँ तक देख लिया तो भैया वीडियो को फटाफट करो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, बिल्कुल फ्री है, मुफ्त है। तो मैं यार ये वीडियो अभी यहीं एंड करता हूँ, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।